हेलो दोस्तों, मैं विवेक स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग के लगातार कमेंट और डिमांड के अनुसार मैं फॉर्मूला का कलेक्शन का एक वीडियो लेकर आया हूं। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें मैं लगभग सारा चैप्टर को डील करने का कोशिश किया हूँ। लगभग सारा चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। ध्यान दीजिए, ये जो सेशन है दोस्तों, ये जो लेक्चर है, प्रत्येक एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मैं एक रिकैप आपको दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का कलेक्शन इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। वीडियो को टिल लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हमने लगभग जो चैप्टर कवर किया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क इनर्जी पावर, साउंड, नेचुरल फेनोमिना यानी लाइट, इफेक्ट्स ऑफ करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके अंतर्गत जितने फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में दिए हुए थे लगभग फॉर्मूला को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि पल पल के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि प्रत्येक फ्रेंड्स को इस वीडियो का फायदा हो सके। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर इसका यूनिट की बात करें तो मीटर और सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है। डिस्टेंस एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। इट्स डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है दोस्तों। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव वैल्यू। ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है कि मूविंग बॉडी में डिस्टेंस नेगेटिव कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट के बीच इन्फिनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है। ऑप्शन थर्ड जो है, थर्ड पॉइंट आपको VVI लगाना होगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। इसका यूनिट की बात करें तो मीटर सेंटीमीटर इसका यूनिट लिया जाता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है फ्रेंड्स और डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड एक कंक्लूजन है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्टेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट अपने पास आता है एवरेज वेलोसिटी। मैं प्रत्येक फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा और किसी भी एग्जाम देने से पहले, गवर्नमेंट एग्जाम देने से पहले ये वीडियो को देख कर जाना जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, कि ताकि आपका सारा फॉर्मूला माइंड में रिवाइज हो जाए। आप इसे सेंटर पे भी खोल के रिवाइज कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद बनाया हूँ और जो जो पूछा जाता है अक्सर उसी को कलेक्ट करके इसमें इंक्लूड किया गया है। हैंडमेड मेरे द्वारा है। वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी देखें। एवरेज वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन कर लेना है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसका यूनिट की बात करें दोस्तों तो मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो एवरेज वेलोसिटी का यूनिट होता है। नेक्स्ट है अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड से आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड ये आपको पता होना चाहिए। दिस स्पीड इज मेजर स्पीडोमीटर। जो आपको स्पीडोमीटर द्वारा स्पीड दिया जाता है वो एक तरह का इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है दोस्तों। स्पीडोमीटर जो लगा हुआ होता है कार वगैरह में, देखोगे बाइक वगैरह में देखोगे, जो स्पीडोमीटर होता है वो आपको स्पीड बताता है कितने स्पीड से आप चल रहे हैं। तो वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, एक इंस्टेंट का टाइम बताता है। इसके अगर फॉर्मूला की बात करें तो डिफ्रेंशिएशन करना होता है, एस डिवाइड बाई डिफ्रेंशिएशन टी को कर देना होता है, या लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन सभी फ्रेंड्स को पता होना चाहिए, ये अक्सर पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाएंगे जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा। ध्यान दें, ये बहुत भारी बातें हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए।
अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तभी इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at होता है, सेकंड होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड की बात करें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1, ध्यान दीजिएगा। और एक होता है s इक्वल टू t प्लस u प्लस v बाई t, आपको ये चार याद रखना है, ये तीन का कॉम्बिनेशन से ई वाला फॉर्मूला निकला है, ठीक है। अब और एक और है एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको जो मेजर याद करना है ए बी सी डी ये चार फॉर्मूला माइंड में रखना है, इसके बाद ये सब फॉर्मूला आ जाते हैं ए आई फॉर्मूला से। ये होता है दोस्तों एक्सेलरेशन, जो मैं कॉन्स्टेंट ले रखा हूँ, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, और एस एंथ डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, अगर यही जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी लगाना है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा दोस्तों वो माइनस जी हो जाएगा इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, तो माइनस जी हो जाएगा। तो फॉर्मूला देख सकते हैं वही फॉर्मूला में, सिर्फ जो प्लस ए लिया जाता था वो माइनस जी लिया जाएगा, देख सकते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच यहाँ पे दोस्तों हाइट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हाइट है, हाइट ऑफ द बॉडी लिया जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एच एंथ इज इक्वल टू यू माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। आई होप ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और एक जो है मैक्सिमम हाइट अक्सर पूछा जाता है, मैक्सिमम हाइट कवर बाई डी बॉडी, तो आपको यू स्क्वायर बाई टू जी इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर करके उसे डिवाइड कर देना है टू इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। ये ट्रिक अक्सर पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ऑप्शन में देकर पूछ लिया जाता है, सो ये आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अपने पास आता है एक न्यूटन, एक न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन होता है फ्रेंड्स, ये अक्सर पूछा जाता है वैल्यू। और फोर्स इज इक्वल टू जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, या फिर मास इंटू वी माइनस यू वाई टी, ये कहाँ से आया सर? ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अभी तो बताएं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, वी माइनस यू वाई टी आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एसआई यूनिट की बात करें फ्रेंड्स तो न्यूटन एसआई यूनिट होता है, और डायमेंशन की बात करें फोर्स का डायमेंशन की बात तो MLT-2 होता है, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम आता है, मोमेंटम एक तरह का देख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, और ये होता है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ मास, मास का प्रोडक्ट और वेलोसिटी को प्रोडक्ट का हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसका यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड, देख सकते हैं यही यूनिट को हम लोग ऐसे लिख लिए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है फ्रेंड्स ये पॉइंट्स आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव डिफिनेशन ऑफ फोर्स, ये अक्सर दो फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन ऑफ फोर्स आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ के माध्यम से मिलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के माध्यम से डिफिनेशन ऑफ फोर्स। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको डेरिवेशन मिल जाएगा, जो फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज आस्क इन गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम, डायरेक्ट वे में ये चीज को पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप क्या समझते हैं, ये होता है दोस्तों एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, यानी कहने का मतलब दोस्तों जब कोई दो बॉडी है वो आपस में कोलाइड करता है तो आपको क्या दे रखा होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखेगा, मास दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखेगा, मास और उसका वेलोसिटी, एक मतलब तीन चार डाटा दे रखेंगे और एक डाटा आपको निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा कि मोमेंटम कोलिजन करने से पहले मोमेंटम क्या था और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या था, दोनों को इक्वल कर देने के बाद जो डाटा आपको निकालना है वो निकल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अक्सर इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। एक है दोस्तों डेल्टा पी इक्वल टू एफ डेल्टा टी, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। और एक और फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू एम बी बाई टी लिख सकते हैं, यानी मोमेंटम बाई टाइम लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला को फर्दर लिखा हुआ है, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए एफ स्टैंड फॉर फोर्स,
पी मोमेंटम, वी वेलोसिटी, टी टाइम्स, एम स्टैंड फॉर मास ऑफ द बॉडी। चलिए हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं, देख सकते हैं उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। ये भी इस पे भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। हाफ एम वी स्क्वायर के साथ साथ ये तो पहले का ट्रेंड है, पहले इसे पूछा जाता था, लेकिन अब जो आपसे पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी, वो मोमेंटम के केस में पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई टू एम। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है फ्रेंड्स। काइनेटिक एनर्जी के ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। देख सकते हैं पी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एशिया यूनिट की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो जूल में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका सीजेस्ट यूनिट अर्ग होता है और एक जूल में 10^7 अर्ग होता है। ये सब सारा पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो टिल लास्ट तक आप देख लीजिएगा तो आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा और न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसानी होगा, बहुत ज्यादा आसानी, हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है फोर्स इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। ये दोस्तों अक्सर ये भी इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आता है फोर्स निकालने के लिए। एम वन एम टू यहाँ पे मास ऑफ द टू बॉडी है दोस्तों, आर डिस्टेंस बिटवीन दो बॉडी है, और जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू अक्सर पूछ लिया जाता है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर वैल्यू आपसे पूछा जाता है और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट में। मैं आपसे ये फॉर्मूला ऑप्शन के ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल जी। स्मॉल जी कैसे निकालेंगे? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ के होल स्क्वायर करना है दोस्तों। ये फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का बात हो रहा है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एंड एम ई मास ऑफ द अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ। और रेडियस ऑफ द अर्थ अक्सर पूछ लिया जाता है कि रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका वैल्यू की बात करें तो 6.4 × 10^6 मीटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास आता है फ्रेंड्स लिफ्ट का केस। लिफ्ट का केस में से आपको अक्सर पूछ लिया जाता है कि लिफ्ट ऊपर अपवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वायर टूट जाता है, तो वेट ऑफ द बॉडी निकालना होता है कि कितना वेट होगा, नॉर्मल कितना लगेगा, ये सब अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लिफ्ट गोइंग अपवर्ड है, ऊपर की ओर लिफ्ट जा रहा है, तो आपको अगर वेट ऑफ द बॉडी पूछा जाएगा कि लिफ्ट में जो अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका वेट कितना होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगा लेना है, वेट इक्वल टू एम जी प्लस एम इंटू ए। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू जी प्लस ए। अपवर्ड केस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, और लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है तो आपको क्या करना है, एम इज इक्वल टू जी माइनस ए लगाना है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते रहता है कि सर एम इक्वल टू जी प्लस ए जी माइनस ए, मतलब ये फॉर्मूला को मतलब उलट पलट के लगा देते हैं। आपको याद होना चाहिए कि अपवर्ड केस में एम इक्वल टू जी प्लस ए ही लगाना है और डाउनवर्ड केस में एम इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए लगाना है। अपवर्ड केस में क्या लगाना है, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, और डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए डाउनवर्ड केस में लगाना है। नेक्स्ट है अपने पास फ्रेंड्स, इफ द रोप ऑफ वायर ब्रेक, अगर रस्सी टूट जाती है तो बेट क्या होगा, तो रस्सी टूटने के बाद जो कंडीशन हो जाता है दोस्तों, बेटलेसनेस का कंडीशन हो जाता है, एक तरह का कंडीशन फ्री फॉल का कंडीशन हो जाता है, जहां पे बेट ऑब्जर्व जीरो किया जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट्स अक्सर पूछा जाता है, ये पॉइंट्स कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन यही पॉइंट को वहां पे चिपका दिया जाता है क्वेश्चन में। सो ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर रस्सी टूट जाए लिफ्ट के केस में तो वहां पे बेटलेसनेस का कंडीशन आ जाएगा, डब्ल्यू जो होगा बेट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट। सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड पूछा जाता है, फॉर्मूला आपसे पूछेगा, इस पे तो न्यूमेरिकल हम अभी तक देखे नहीं है, 10th स्टैंडर्ड पे ऐसा कोई न्यूमेरिकल तो इस पे बनता नहीं है। ऑर्बिटल स्पीड का आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा, तो ये होता है दोस्तों बी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेना होगा। अगर टाइम ऑफ रिवोल्यूशन पूछे तो आपको क्या लगाना है, 2π इंटू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट बाय ऑर्बिटल स्पीड ऑफ वेलोसिटी से इसे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एस्केप वेलोसिटी, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रख लीजिए।
एस्केप वेलोसिटी का अक्सर पूछा जाता है। एस्केप वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2 इंटू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 2 स्मॉल जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्मॉल जी मैं ले रहा हूँ, स्मॉल जी है, स्मॉल जी ध्यान रखिए, और इस फॉर्मूला में कैपिटल जी लिया जा रहा है, कैपिटल जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों, बारी बारी से सारे चैप्टर का फॉर्मूला हम लोग कवर करने जा रहे हैं, सो वीडियो टिल लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट है फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होती है, प्रेशर इज इक्वल टू दोस्तों फोर्स पर अपन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स बाई एरिया, पी स्टैंड फॉर प्रेशर, एफ स्टैंड फॉर फोर्स, ए स्टैंड फॉर एरिया। एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों तो पास्कल में हम लोग इसे मेजर करते हैं, ध्यान दीजिएगा पास्कल में मेजर करते हैं, एक बार में 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या 10^5 पास्कल होता है। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करें दोस्तों तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स अक्सर टारगेट किया जाता है एग्जाम में, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर में इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। इसे हम लोग आगे देखेंगे तो पास्कल में अगर देखें एक एटमोस्फेरिक प्रेशर में 101325 पास्कल होता है, एक टॉर में 1.3332 पास्कल होता है दोस्तों, ये चीज़ याद होना चाहिए आपको। डायरेक्ट वे में कन्वर्जन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन डायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन में चिपका दिया जाता है कि एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, सबको पता है, इसके यूनिट की बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब। और आपसे डेंसिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड का डेंसिटी पूछ लिया जाता है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है, और डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं जब आप लोग के लिए ये फॉर्मूला चार्ट को तैयार कर रहा था तब वहाँ पे जो जो अक्सर एग्जाम में रिपीट हुए हैं वही चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सेशन है। डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना होता है, 1930 के जी पर मीटर क्यू, और डेंसिटी ऑफ वाटर बोल सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यू। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं, वर्क आता है अपने पास, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है दोस्तों फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, क्या होता है सर, डॉट प्रोडक्ट होता है। जब डॉट प्रोडक्ट को हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं डॉट, हटाते हैं तो उसको क्या, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या लेना है, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल लेना है, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, थीटा जो होगा वो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल होगा, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करें तो जूल होता है वर्क का, या न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है टर्म पावर, पावर क्या होता है दोस्त, वर्क डन पर अपन टाइम, ये फॉर्मूला पहले पूछा जाता है लेकिन आज के डेट में मॉडर्न डे में ये फॉर्मूला ज़्यादा पूछा जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम में, एफ डॉट भी ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो याद रखिएगा, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्क डन, एफ स्टैंड फॉर फोर्स, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, टी स्टैंड फॉर टाइम। फ्रेंड्स इसके अगर एसआई यूनिट की बात करें तो पावर का एसआई यूनिट वाट होता है, एक एचपी में 746 वाट होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल यूनिट है, हॉर्स पावर, इसके पूछ लिया जाता है कि एक एचपी में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। फ्रेंड्स ये पॉइंट्स ऑलवेज आस्क और पूछा गया है स्टेटमेंट के रूप में, चार उन पॉइंट को पूछा गया है गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम में और आरआरबी रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें, ये तो अक्सर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी। पहला, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर फोर्स डायरेक्शन, मोशन के डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो आपको जो वर्क मिलेगा वो पॉजिटिव वर्क मिलेगा। नेक्स्ट है फोर्स अपोजिट मोशन, यानी फोर्स का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट लग रहा है तो इसका नेगेटिव वर्क होगा दोस्तों, अगर फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है तो वहां पर जो वर्क मिलेगा वर्क डन वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है फोर्स इज 90 टू द मोशन, फोर्स अगर 90 डिग्री है मोशन के तो क्या होगा, नो वर्क लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो वर्क होगा, फोर्स इज 90 टू द मोशन। ये दोस्तों कुली वाला जो सूटकेस लेकर चलते हैं कुली, वहां पर वर्क डन जीरो होता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उसमें नो वर्क देखा जाता है, ये ऑप्शन
पॉइंट थर्ड डिस्क्राइब कर रहा है कूली का केस, ऑप्शन थर्ड से डिस्क्राइब हो रहा है, फोर्स इज 90 डिग्री टू द मोशन लगता है वहां पे जो नो वर्क होता है, ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो यहाँ पे भी नो वर्क हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप ये चार पॉइंट आपको क्लियर होगा और बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या समझते हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं सर ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कहने का मतलब एक फॉर्म एनर्जी से दूसरे फॉर्म एनर्जी में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत सारा करवाया गया है इस चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जब बगडन का क्वेश्चन चल रहा था तो वहां पे भी इस चीज को जिक्र किया गया था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि जब बॉडी ऊपर से गिराया जाता है, बॉडी ऊपर रेस्ट में रहता है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है, जब बॉडी में वेलोसिटी आता है तो काइनेटिक एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कहने का मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसका चेंज फॉर्म कर सकते हैं, जब कभी काइनेटिक से पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल से काइनेटिक हो जाएगा। एक टर्म आता है फ्रेंड्स मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी अक्सर पूछ लिया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो समेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होता है, उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी का भी जाहिर सी बात करें तो इसका एसआई यूनिट की बात करें तो जूल ही हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जूल में मेजर किया जाता है। एक है दोस्तों आइंस्टीन का इक्वेशन है एक E=mc², इसके बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है ई क्या है, ई लोग एनर्जी लगा देते हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा ई मास एनर्जी होता है, इन केस ऑफ E=mc², ई मास एनर्जी होता है और एम स्टैंड फॉर मास और सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है दोस्तों, जो सबको पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से लिखते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम पीरियड होता है या फिर ω/2π बोल सकते हैं। ये ट्रेंड पहले पूछा जाता था लेकिन आज के डेट में ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आज के डेट में ω/2π पूछा जा रहा है, स्मॉल एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, टी का मतलब टाइम पीरियड और ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों वेवलेंथ, वेवलेंथ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे जो जिसका जिसका वेवलेंथ पूछता है वो यहाँ पे बिहेवियर जो है इसका अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। वायलेट का पूछेगा, ब्लू का पूछेगा, ग्रीन का पूछेगा, येलो का पूछेगा, ऑरेंज का पूछेगा, रेड का पूछेगा, ये वेवलेंथ अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों। वायलेट का 380 से 450 नैनोमीटर होता है, ब्लू का 450 से 495 नैनोमीटर में, ध्यान दीजिएगा मैं जो जितना डाटा यहाँ पे लिखा हूँ नैनोमीटर में ध्यान रखिए, ग्रीन 495 से 570 नैनोमीटर, येलो का होता है 570 से 590, ऑरेंज का होता है 590 से 620 और रेड का होता है 620 से 750। इसमें आपको वायलेट का साथ साथ रेड का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। और ये जो ट्रेंड है दोस्तों अगर ऊपर से हम लोग नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, देख सकते हैं 350 से 750 हो गया, यानी रेड का वेवलेंथ ज्यादा मिलेगा एज कंपेरिजन टू वायलेट, अगर नीचे आते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, यानी कहने का मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, डाउन जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा इसलिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट जो है अपने पास लेजर रडार सोनार, ना जाने कितने बार ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, लेजर का मतलब क्या समझते हैं, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन, ध्यान दीजिएगा लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन लेजर का मतलब होता है, रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ध्यान दीजिएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार का मतलब होता है दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और फ्रेंड्स अगर इसका इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाता है PDF, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। ध्यान दें डिविएशन इन द मिरर, दिट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिविएशन इन द मिरर इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है दोस्तों 180° - 2i, ध्यान दीजिएगा 180° - 2i, i होता है दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस,
नेक्स्ट है नंबर ऑफ इमेजेस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ इमेजेस इन इंक्लाइंड मिरर। ये चीज को स्टूडेंट याद करते रहते हैं दोस्त, बहुत तरीके से याद करते रहते हैं लेकिन हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज अगर पूछ दे इंक्लाइंड मिरर द्वारा तो सबसे पहले 360 बाई थीटा कर ले, ठीक है, जितना एंगल दे रखा है उसको 360 से डिवाइड कर दे, आपके पास एम का वैल्यू मिल गया। अगर एम इवेन आता है तो नंबर ऑफ इमेज जो एम आया उसमें एक माइनस कर देंगे, ये सभी पोजीशन पे वैल्यू है दोस्तों अगर एम इवेन आता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 360 बाई थीटा करके पहले वैल्यू निकालना, अगर एम इवेन आता है तो उसको एम माइनस वन कर देंगे, एक घटा देंगे। उसके बाद एम अगर ऑड आता है देन एन इज इक्वल टू एम लेंगे इफ ऑब्जेक्ट नोट ऑन द बाइसेक्टर, अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है तो एन इक्वल टू एम ही रहेगा, यानी नंबर ऑफ इमेज एम का बराबर मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट बाई सेक्टर पे है, इवेन आने का केस भी ऑड आने का केस भी है और अगर ऑब्जेक्ट बाई सेक्टर पे है तो उसको एन इक्वल टू एम माइनस वन कर लेंगे, एम से घटा लेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है, ये होता है दोस्तों 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस पे बहुत सारा फॉर्मूला पूछे जाते हैं, इसमें साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देना होगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और f इज इक्वल टू r/2 होता है दोस्तों। f जो होता है फोकल लेंथ होता है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, v जो है इमेज डिस्टेंस और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद कन्फर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर थोड़ा बात कर लेते हैं। कन्फर्मेशन यानी करने का मतलब जो इमेज बनता है उसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, देख सकते हैं। पहला जो अपने पास कॉलम है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, कॉनकेव मिरर की पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इस टॉपिक से, इस टेबल से एक क्वेश्चन तो आना ही आना रहता है, ये क्वेश्चन तो कन्फर्म है इस टॉपिक से आना ही रहता है। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो इमेज का पोजीशन फोकस में मिलेगा और जो साइज ऑफ इमेज होगा दोस्तों हाइली डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर नेक्स्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो बिटवीन एफ एंड सी मिलेगा पोजीशन ऑफ इमेज, वो भी डिमिनिश्ड मिलेगा, छोटा ही मिलेगा और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड मिलने वाला है। नेक्स्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट सी पे मिलेगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा गया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, लेकिन साइज ऑफ इमेज भी जो मिलेगा दोस्तों वो सेम साइज ऑफ इमेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम। थर्ड पॉइंट्स अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा पोजिशन पे ऑब्जेक्ट रखें कि जो इमेज का पोजिशन है वो उस वहीं पे मिले, और दूसरी बात साइज ऑफ इमेज बिल्कुल सेम साइज का मिले। यही केस है दोस्तों केस नंबर थर्ड के केस में, जो इमेज का साइज होता है बिल्कुल सेम होता है और साथ साथ रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बियॉन्ड सी आपको मिलने वाला है पोजिशन ऑफ इमेज, ये इनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा होगा, ये भी केस पूछा जाता है और रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। एट फोकस एफ, अगर हम लोग फोकस पे रखते हो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो पोजीशन ऑफ इमेज जो मिलने वाला है इन्फिनिटी पे आपको मिलने वाला है और हाईली इनलार्ज बहुत बड़ा मिलेगा दोस्तों एंड रियल इन्वर्टेड। आपको जो पॉइंट्स इसमें याद रखना है, ऐसे तो सारा पॉइंट्स याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में है, लेकिन जो अक्सर पूछा जाता है थर्ड पॉइंट से क्वेश्चन ऑलवेज टारगेट किया जाता है, सेम साइज का केस यही है थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का कन्फर्मेशन देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखोगे तो जो पोजीशन मिलेगा इमेज का वो फोर्स फोकल लेंथ पे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, और बियॉन्ड द मिरर मिलेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी पे रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट अपने मिलेगा इमेज मिलेगा ऑब्जेक्ट का वो बिटवीन पी एंड एफ मिलेगा, बियॉन्ड मिरर ये भी मिलेगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। पी का मतलब होता है पोल दोस्तों, ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच है तो पोल और फोकस के बीच इमेज आपको मिलेगा। साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर
इसमें ये स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। साइन कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए। कॉनकेव मिरर का केस का और कॉन्वेक्स मिरर का केस का मैं बता रहा हूँ। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव लेना है और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव लेना है। और कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब साइन में कुछ चेंज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजमेंट देखा जाएगा, लेकिन ना के बराबर जनरल लेवल के जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसमें ना के बराबर चेंजमेंट मिला जाता है, इसे भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर आपको पता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इन केस ऑफ मिरर हमको लेंगे लेना होगा तो माइनस वी बाय यू भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस वी बाय यू लेना है। स्नेल लॉ सबको पता होता है, साइन आई वाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वन मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम, C1 बाय वेवलेंथ 1 इज इक्वल टू C2 बाय वेवलेंथ 2 इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये चीज को याद रखना है, ये जो इक्वेशन आपके पास है ये इक्वेशन से आपको कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस इक्वेशन पे, वो सोल्व करने में बहुत मदद होगा। C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिटिकल एंगल आपको याद होना चाहिए, साइन सी स्टैंड फॉर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है इज इक्वल टू 1 बाय μ यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब थोड़ा इमेज फॉर्मेशन लेंस के द्वारा देख लेते हैं, लेंस के द्वारा अभी जो हम लोग देखें वो मिरर के द्वारा देखें, हम लोग लेंस के द्वारा देख रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन इन्फिनिटी पर रखा जाए तो इमेज का लोकेशन F2 पे बनेगा, ठीक है। इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड होगा। साइज की बात करें तो डिमिनिश्ड होगा, बियॉन्ड 2F1 रखें तो बिटवीन 2F2 एंड F2 होगा। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इमेज साइज डिमिनिश्ड होगा। दोस्तों बिटवीन 2F1 और F1 के बीच रखें तो बियॉन्ड 2F1 बनेगा और रियल इन्वर्टेड ही मिलेगा, इनलार्ज होगा, ठीक है। एट F1 रखा जाए तो इमेज का जो लोकेशन है इन्फिनिटी पे मिलेगा अगर फोकस पे रखते हैं, और इमेज का नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज की साइज की बात करें तो इनलार्ज होगा, ठीक है। एट 2F1 एट 2F2 मिलेगा एंड आपको पता होना चाहिए रियल इन्वर्टेड मिलेगा। इमेज की साइज की बात करें तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगा। बिटवीन F1 फोकल लेंथ पहला और O के बीच रखें तो ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा, इलनाज मिलेगा। आपको ध्यान देना है, ये केस आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि इसी केस में सिर्फ आपको कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज मिलेगा। ध्यान दीजिए वर्चुअल इमेज एक ही केस में मिलता है। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस का पूछा जाता है, इन्फिनिटी पे अगर रखा जाए तो एट F2 पे मिलेगा, वर्चुअल इरेक्ट मिलेगा, हाईली डिमिनिश्ड मिलेगा। बियॉन्ड इन्फिनिटी और ओ रखे ओरिजिन तो बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर, यानी वो का मतलब ऑप्टिकल सेंटर है दोस्तों, वो स्टैंड फिर ऑप्टिकल सेंटर, तो जो अपने पास जो इमेज मिलेगा वो बिटवीन F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा और इरेक्ट मिलेगा, डिमिनिश्ड मिलेगा। नेक्स्ट अपने पास आता है मिरर फॉर्मूला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 1 बाय F = 1 बाय V - 1 बाय U लेंगे। आपको पता है F क्या है, V क्या है, U क्या पता है, जो मिरर में होता है सेम लेंस में होता है। बस यहाँ पे साइन कन्वेंशन ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव लेंस में F नेगेटिव, U नेगेटिव, V नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस में जो लेना है F पॉजिटिव लेना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लेना होता है और जो इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव में। आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा किसको नेगेटिव में लेना है किसको पॉजिटिव में लेना है, और जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है दोस्तों 10th स्टैंडर्ड पे वो बिल्कुल ये फॉर्मूला और 1 बाय F = 1 बाय V + 1 बाय V यही दोनों फॉर्मूला पे रहता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट कहाँ पे गलत कर बैठते हैं, साइन कन्वेंशन में गलत कर बैठते हैं। साइन कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए, साइन कन्वेंशन को माइंड में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। लेंस का मैग्निफिकेशन याद दीजिए रखिएगा कि इसका भी हाइट ऑफ इमेज हाइट बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये वी बाई यू लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव में लेंगे, लेकिन मिरर में वहाँ पे नेगेटिव में लिया जाता है। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पावर ऑफ लेंस सबको पता होगा 1 बाय फोकल लेंथ होता है जो मीटर में लिया जाता है। यूनिट की बात करें पावर मेजर किस में होता है, डायोप्टर में मेजर होता है। पावर कम्बिनेशन की बात करें तो P1 + P2
और इसी को फोकल लेंथ कम्बिनेशन में पूछा जाए तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्वेश्चन एक बार जो SSC का एग्जाम हो रहा था उसमें डायरेक्ट ए आपको जो क्वेश्चन दे रखा था और ऑप्शन में ये दे रखा था, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूटन फॉर्मूला होता है दोस्तों, इस पे तो न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं लेकिन न्यूटन फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो फोकल लेंथ जो होता है एफ यहाँ पे होता है दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ। ध्यान दीजिएगा, एफ का मतलब हुआ जो डिस्टेंस लेना है ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बीच डिस्टेंस लेना है। एक्सप्लेन क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, फोकस से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो लेना है। एक्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा जाता है दोस्तों, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f जो है फोकल लेंथ है, म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और जो लेंस का ग्लास वगैरह होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेना है, और r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है। उसके बाद हम लोग करंट की ओर मूव करते हैं, तो आपको पता होगा I इज इक्वल टू क्यू आई टी होता है, यहाँ से क्यू इज इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट की करंट की यूनिट की बात करें तो एम्पियर होता है। भी जो हुआ डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर अपन चार्ज होता है, इसका यूनिट वोल्ट होता है। वी इज इक्वल टू आई आर, इसे भी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, इसे ओम्स में मेजर करते हैं। और हीट निकालना होता है तो आई स्क्वायर इंटू आर टी करेंगे, हीट जूल में निकाला जाता है। पावर इक्वल टू वर्क डन पर अपन टाइम, पहले पूछ लिया जाता था ये फॉर्मूला, लेकिन आज के ट्रेंड में ये फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ये दो फॉर्मूला अक्सर ऑप्शन में दिखा जा रहा है। पावर इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी, ये दो फॉर्मूला बहुत अच्छा से याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। आई स्टैंड फॉर करेंट, क्यू चार्ज, टी टाइम, वी पोटेंशियल डिफरेंस, रो, एल स्टैंड फॉर लेंथ, ए स्टैंड फॉर एरिया, एच स्टैंड फॉर हीट प्रोड्यूस, पी स्टैंड फॉर पावर, डब्ल्यू स्टैंड फॉर बगडर। रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगाते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट मीन जो डायरेक्ट समेशन कर देंगे, देख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस N, अगर सीरीज में लगो है R इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लेंगे। और आपके पास केस है इफ ऑल रेजिस्टेंस आर सेम, जितना रेजिस्टेंस लगाया गया वो सब सेम है, सबका वैल्यू अगर सेम है तो उसको R इक्विवेलेंट N इंटू R करना होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये सब पे जो क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे करवा रखा गया, क्वेश्चन देखना है तो टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग जाकर क्वेश्चन आपसे देख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला पढ़ने के बाद आप मास्टर वीडियो जो साइंस का प्रोवाइड हो रहा है उसे जाकर पूरा लगा लें, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगेगा दोस्तों 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से लेकर 1/rn ले लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस सेम है, इस केस में R इक्विवेलेंट यहाँ पे R/n हो जाएगा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं कैपेसिटेंस, ध्यान दीजिएगा कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला अक्सर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कैपेसिटिव एनर्जी, एनर्जी के बारे में पूछा जाता है, कैपेसिटिव एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा वी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सी कैपेसिटेंस है। इसके बाद वो आता है IRMS, IRMS इज इक्वल टू IM/√2, आई एवरेज इज इक्वल टू 0.636, आपको कहीं कहीं 0.637 भी मिलेगा, इंटू IM करना होता है। वी एवरेज इक्वल टू 0.636 VM, और KF जो फॉर्म फैक्टर है, RMS वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में RMS वैल्यू दे रखा होता है, एवरेज वैल्यू दे रखा होगा, आपसे फॉर्म फैक्टर अक्सर पूछा जाता है, तो आपको दोनों को डिवाइड कर लेना है। और दूसरी बात, ये जो तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट्स में आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, पूछ लिया जाता है इस टाइप से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। या फिर आई एवरेज पूछ लेगा कितना होता है, 0.636 IM एक ऑप्शन दिया रहेगा और चार ऑप्शन दूसरा दिया रहेगा, तो इसे माइंड में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IRM स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर करेंट, IAB का मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट होता है, VAB का मतलब
एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होता है। आई होप यहां तक आप लोग जो फॉर्मूला अभी हमने प्रोवाइड किया बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ आप कमेंट में ये भी बताएं कि और किस टाइप का मटेरियल आपको चाहिए। और ध्यान दें, जिस टाइप का मटेरियल इस चैनल पे स्टूडेंट के द्वारा डिमांड किया जाता है उस टाइप का ही मटेरियल प्रोवाइड इस चैनल पे करवाया जाता है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, ऐसे फॉर्मूला देखा जाए तो और बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं ये फॉर्मूला ये चार्ट तैयार करने से पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन को देखा, उसके बाद समझा कि मतलब किस टाइप का फॉर्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, वो फॉर्मूला को इस वीडियो में जिक्र कर दिया हूँ। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। कैसे टेलीग्राम ज्वाइन करें, आपको आपके अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, स्टेप को फॉलो करें और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। एंड जो सीरियस स्टूडेंट हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जितनी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे होती है वो सब पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब वीडियो को लाइक करें दोस्तों, आप लाइक कीजिएगा तभी हमारा मेहनत नजर आएगी। वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।